हेलो दोस्तों, मैं हूं ऋषिकेश और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स कॉप। और आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं द 100 2024 के पहले मुकाबले की, जो कि खेला जाएगा ओवल इनविंसिबल्स वर्सेस बर्मिंगम फिनिक्स के बीच में लंदन के द ओवल क्रिकेट स्टेडियम के अंदर 23 जुलाई को रात के 11 बजे से। और इस मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट होने वाला है सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के ऊपर। अगर मैं आपसे बात करता हूं द ओवल की पिच रिपोर्ट के बारे में, तो मेरे हिसाब से ये इंग्लैंड का सबसे कमाल का मैदान है बल्लेबाजी करने के लिए। तो बॉल काफी कमाल तरीके से आएगी बैट के ऊपर, ऊपर से डे नाइट मुकाबला, तो ऑब्वियस ही बात है जो भी टीम टॉस जीतेगी ना पहले गेंदबाजी करना चाहेगी। सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूं ओवल इनविंसिबल्स के बारे में, जो कि पिछली बार के चैंपियंस हैं और इस बार भी इस टीम के पास एक बहुत ही शानदार स्क्वाड है। बात करता हूं बल्लेबाजी से, तो यहां पे आपको डेविड मलान देखने को मिलेंगे इस बार टीम में, टॉप ऑर्डर के अंदर बल्लेबाजी करते हैं। मेरे हिसाब से उनका इस टीम में आना ओवल के लिए काफी कमाल की बात है। सैम बेलिंग्स कप्तान है इस टीम के, पिछले साल भी वो काफी कमाल खेले और इस साल फिर एक बार उनके कंधों के ऊपर टीम के अच्छी बल्लेबाजी करने की जिम्मेदारी होगी। और साउथ अफ्रीका के डोनोवन फेरारा भी आ चुके हैं टीम के अंदर, लोअर ऑर्डर के अंदर वो काफी कमाल की बल्लेबाजी करते हैं, ये बात हमने ऐसे 20 लीग के अंदर देखी है। तो ये टीम काफी कमाल की बल्लेबाजी ओवल के पास, उसके अलावा टुआंडा मुए भी इस टीम के अंदर हैं और जॉर्डन कॉक्स भी इस टीम के अंदर है, तो ये दोनों काफी टैलेंटेड बल्लेबाज। और आपको सैम बिलिंग्स और मलान और फरेरा का एक्सपीरियंस भी देखने को मिल जाएगा। ऑलराउंडर्स इस टीम की स्ट्रेंथ है। सबसे पहले आते हैं सैम करन, जो कि नंबर 4 पे बल्लेबाजी कर सकते हैं इस टीम के लिए, अभी T20 ब्लास्ट में सेंचुरी भी मारी, उसके अलावा उनकी गेंदबाजी के बारे में किसी को डाउट होने ही नहीं वाला, एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं। और साथ ही में विल जैक्स भी टीम के अंदर है, आईपीएल में काफी शानदार खेले थे बैंगलोर के लिए, हो सकता है ओपन करे, हो सकता है नंबर 3 पे खेले, साथ ही में जो उनकी स्पिन बॉलिंग है ना वो भी ओवल के लिए काफी इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगी। तो बल्लेबाजी और ऑलराउंडर्स इन दोनों डिपार्टमेंट के अंदर ओवल के पास एक बहुत ही कमाल की टीम है। अगर मैं आपसे बात करता हूं तेज गेंदबाजी के बारे में, तो मोहम्मद आमिर केवल इस पहले मुकाबले को खेलने वाले हैं, उनके पास स्पेंसर जॉनसन आ जाएंगे, पर एक मुकाबला मिला है मोहम्मद आमिर को, देखते हैं वो क्या करेंगे। टॉम करन का नाम भी है इस लिस्ट के अंदर। अब देखो, टॉम करन वैसे रन काफी खर्च करते हैं, पर जब वो ओवल के लिए खेलते हैं, वो सरे के लिए खेलते हैं ना, उनकी गेंदबाजी के अंदर विकेट्स आते हैं, साथ ही के अंदर वो बल्लेबाजी के अंदर भी काफी अच्छे प्लेयर हैं, तो उनको देखने में काफी मजा आएगा। और मर्चेंट डी लैंग भी हैं इस टीम के अंदर, मर्चेंट डी लैंग साउथ अफ्रीका की बहुत ही एक्सपीरियंस्ड तेज गेंदबाज, उनको विकेट्स निकालने आते हैं, और साथ ही में साकिब महमूद भी है, तो तेज गेंदबाजी में इस टीम के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और अगर मैं बात करता हूं आपसे स्पिन डिपार्टमेंट के बारे में, तो एडम जैम्पा स्पिन बॉलिंग को लीड करेंगे, ऑस्ट्रेलिया के लेग स्पिनर, हम सभी को पता है वो क्या कमाल के विकेट टेकर हैं। और स्कॉटलैंड के मार्क वॉट भी हैं इस टीम में, T20 वर्ल्ड कप के अंदर भी मार्क वॉट ने बहुत अच्छी गेंदबाजी करी थी। तो भाई ओवल के पास जो टीम है ना, तेज गेंदबाज हो चाहे स्पिनर हो चाहे ऑलराउंडर हो चाहे बल्लेबाज हो, एक बहुत ही बैलेंस टीम है ओवल के पास, और जरूर से इस पहले मुकाबले के अंदर ना ये लोग जीतना चाहेंगे। अब मैं आपसे बात करता हूं बर्मिंगम फिनिक्स के बारे में, तो बर्मिंगम फिनिक्स को सबसे बड़ी दिक्कत तो ये हुई कि पिछले साल जो उनके टॉप 3 बल्लेबाज थे विल स्मिथ, बेन डकेट और जेमी स्मिथ, वो तीनों इस मुकाबले में नहीं खेलने वाले। विल स्मिथ इंजरी की वजह से बाहर हो चुके हैं और बेन डकेट और जेमी स्मिथ अब इंग्लैंड के लिए खेल रहे हैं, तो ये तीनों बल्लेबाज इस मुकाबले में नहीं खेलने वाले। तो सारा दारोमदार आने वाला है इस टीम के ऑलराउंडर्स पे। सबसे पहले आते मोइन अली, जो कि मेरे हिसाब से हो सकता है ओपन कर ले इस टीम के लिए, अभी T20 ब्लास्ट में सेंचुरी मारी थी मोइन अली ने, उसके अलावा उनके ऑफ स्पिन बॉलिंग के बारे में तो मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है, तो वो रन स्कोरर भी हैं और विकेट टेकर भी हैं। अगला नाम आता है लियम लिविंगस्टन का। अब हम सभी को पता है लिविंगस्टन कितने डिस्ट्रक्टिव बल्लेबाज है, अगर वो फॉर्म में रहे तो अकेले दम पे मुकाबले पलट सकते हैं, उसके अलावा वो भी लेग स्पिन बॉलिंग से विकेट्स भी निकालना चाहेंगे। तो मोइन अली और लियम लिविंगस्टन इस टीम के दो सबसे बड़े चेहरे हैं, और अगर इस टीम को जीतना है इन दोनों को चलना पड़ेगा। इन दोनों के अलावा दो बॉलिंग ऑलराउंडर्स भी इस टीम के अंदर। सबसे पहले आते हैं ऑस्ट्रेलिया के शॉन एबर्ट एक बहुत अच्छे विकेट टेकर है ऑस्ट्रेलिया के लिए भी, साथ ही में 6-7 के ऊपर वो अच्छी बल्लेबाजी भी कर सकते हैं, तो उनको देखने में मजा आएगा। और बेनी हावल भी है इस टीम के अंदर, अगर आप इंग्लिश क्रिकेट को फॉलो करते हो तो बेनी हावल एक अच्छे प्लेयर हैं, जेन्युइन विकेट टेकर है, बल्लेबाजी भी कर लेते हैं। तो लियम लिविंगस्टन, मोइन अली, शॉन एबर्ट और बेन हावल, ये चार ऐसे ऑलराउंडर्स हैं जो कि बर्मिंगम के लिए बड़ा पार्ट प्ले करेंगे। और बैटिंग के अंदर ऋषि पटेल एक ऑप्शन है, जेकब ब्रैथल का भी ऑप्शन है, पर देखो उतना एक्सपीरियंस है नहीं इन दोनों प्लेयर्स को, मुझे
मुझे पता भी नहीं कि उनको मौके मिलने वाले या फिर नहीं मिलने वाले। बात करता हूँ तेज गेंदबाजी के बारे में, तो क्रिस वोक्स भी इस टीम का पार्ट है पर वो नहीं खेलने वाले, वो टेस्ट सीरीज के अंदर बिजी है। तो दो न्यूजीलैंड के प्लेयर्स के ऊपर इस टीम भी तेज गेंदबाजी रिलाई करेगी। टीम ने टिम साउदी को साइन कर लिया है। टिम साउदी बहुत ही एक्सपीरियंस प्लेयर, T20 वर्ल्ड कप के अंदर डिसेंट सा रहा, देखते हैं इस मुकाबले में वो क्या करेंगे। अच्छे विकेट टेकर हैं और एडम मिलन के ऊपर आप काउंट कर सकते हो। एडम मिलन T20 के स्पेशलिस्ट गेंदबाज, इंग्लैंड हर साल खेलने आते हैं, उनके जो कटर्स है ना बड़ा पार्ट प्ले करेंगे इस मुकाबले में। और स्पिन बॉलिंग की जिम्मेदारी होने वाली है डैन मोजली के ऊपर। डैन मोजली अच्छे प्लेयर है, T20 लास्ट में अच्छा खेलते हैं, विकेट्स निकालते हैं, देखते हैं वो भी क्या करेंगे। उसके अलावा कुछ लोकल इंग्लिश गेंदबाज हैं पर यही मेन प्लेयर्स है बर्मिंघम के लिए। तो टीम का अपने काफी सारे प्लेयर्स को टेस्ट सीरीज की वजह से मिस करने वाली है, देखते हैं इस मुकाबले में ये लोग क्या करेंगे। आप कमेंट करके बताओ कि इस मुकाबले को कौन सी टीम जीतेगी और इस मुकाबले की फैंटेसी टीम आने वाली है एक दो स्क्रीन के ऊपर। तो मेरे हिसाब से इस मुकाबले में जीत मिलने वाली है ओवल इनविंसिबल्स की टीम को। मेरे हिसाब से उनके पास एक बहुत ही बैलेंस टीम है और वो बर्मिंघम को हरा देंगे इस मुकाबले में। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को इस तरह की वीडियोस देखने के लिए। मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो के अंदर और याद रखिएगा, स्पोर्ट्स नहीं तो कुछ नहीं।